तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करेंगे आप सभी से वीडियो कैसे बनेंगे और वीडियो बनने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी और वीडियो के रिलेटेड जो भी होती है उसकी सारी डिटेल्स बताऊंगा आप सभी को स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में। अगर आप सभी फर्स्ट टाइम वीडियो की तैयारी कर रहे हैं बनने के लिए, वीडियो की बात की जाए तो वीडियो की फुल फॉर्म क्या होती है तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होती है, इसकी हिंदी में बात की जाए तो खंड विकास प्राधिकारी बोली जाती है। तो वीडियो की काम क्या होती है, कोई भी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से आती है अपने क्षेत्र में लागू करना, उस प्रोजेक्ट को चालू करना, उस स्कीम को जो भी आती है गवर्नमेंट या राज्य सरकार केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी योजना आती है उस योजना को लागू करना अपने क्षेत्र में, यही सब वीडियो को काम होती है। वीडियो कोई भी क्षेत्र को डेवलप कर सकती है, हर एक ज़िले में अनेकी वीडियो होते हैं आप सभी जानते होंगे। जिले में बहुत सारे प्रखंड बनाए जाते हैं, प्रखंड को ही ब्लॉक बोलते हैं। वीडियो की बहुत सारी डिमांड है, आप सभी दिनों रात मेहनत करते हैं, बीपीएससी के एग्ज़ाम देते हैं एक वीडियो बनने के लिए। जैसे बात की जाए यूपीएससी आईएएस का एग्ज़ाम देते हैं, वैसे आप सभी को बीपीएससी के एग्ज़ाम देनी होती है। अगर पास करते हैं तभी आप सभी वीडियो बन पाएंगे। तो ये आप सभी को सारी डिटेल्स बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो बनने के लिए क्या क्या इंटरफेस फेस करना पड़ेगा, इसके लिए क्या योग्यता चाहिए, वीडियो की क्या डिमांड है, एज रिलेटेड क्या चाहिए, फॉर्म कब से फिलअप होगी, सैलरी क्या होती है और एजुकेशन क्या होती है, फॉर्म भरने के लिए कितनी परसेंट मार्क्स होने चाहिए और कौन स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एग्ज़ाम में कितने स्टेज होते हैं और सिलेबस क्या होती है, और इसके लिए सारी स्ट्रेटजी बताऊंगा इस वीडियो में। आप सभी शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसके लिए आप सभी को एक लाइक ज़रूर बनाइए। आप सभी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें डेली इस तरह की अपडेट जानने के लिए। तो इस वीडियो में बात करेंगे आप सभी से वीडियो क्या है। वीडियो के फुल फॉर्म ऑलरेडी बता चुका हूँ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होती है, इसकी डिमांड काफ़ी है। अगर आप सभी वीडियो बन जाते हैं तो आप सभी के फैमिली वाले और समाज के लोग काफ़ी खुश होते हैं, उनकी गौरव की बात होती है कि मेरी एक वीडियो की पद आई है मेरे क्षेत्र में, और पड़ोसी जो भी होते हैं वो भी खुश होते हैं और कुछ पड़ोसी जलते भी हैं। तो आप सभी शायद इस थिंकिंग किए होंगे अपनी जहां रहते होंगे, और कुछ वीडियो बन जाने के बाद आप सभी कुछ एलर्जी लोगों की होती है, उनकी थिंक में चलती है, तो आप सभी चीज़ को इग्नोर कर चले, अपनी हौसले को बुलंद रखें जॉब लेने के लिए। अगर वीडियो बन जाते हैं तो अपनी फैमिली बदल सकते हैं, तो जीवन में बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं। तो बात करते हैं वीडियो क्या होती है। पहले नंबर में तो वीडियो के काम जानते ही होंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहलाते हैं, जो खंड विकास प्राधिकारी कहलाते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी योजना आती है उस योजना को अपने क्षेत्र में लागू करना, जैसे नाली हुए, जल नल योजना हुए, और इनकी स्कूल की स्ट्रेटजी आती है, बहुत तरह तरह की प्रोजेक्ट आती है, उस चीज़ को अपनी प्रोजेक्ट को लागू करना अपने क्षेत्र में एक काम वीडियो की होती है। और उनकी बात की जाए बहुत सारी उनकी रिस्पेक्ट मिलती है, आप सभी जानते होंगे वीडियो की पद की। अब बात करते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। क्वालिफिकेशन अगर आप सभी ग्रेजुएशन कर लिए हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आप सभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप सभी के मन में भी क्वेश्चन होगा वीडियो की फॉर्म अप्लाई करने के लिए कौन कौन स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को सही जवाब है। इस बात माननी है अगर डिप्लोमा कर लिए हैं तो आप सभी बिल्कुल वीडियो का फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते हैं। तो बात करते कौन स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप सभी किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पास किए हैं, अगर आप सभी बीए बीएससी या बीसीए बीबीए होटल मैनेजमेंट इत्यादि कोर्स कर रखे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप सभी वीडियो का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसे आईएएस और यूपीएससी की एग्ज़ाम होती है उसी तरह बीपीएससी की एग्ज़ाम होती है, उतना ही इम्पोर्टेंट बीपीएससी की एग्ज़ाम मानी जाती है। तो बीपीएससी की एग्ज़ाम जानते होंगे सभी राज्य में अलग अलग समय समय पर ली जाती है। बात की जाए तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश
पब्लिक सर्विस कमीशन और वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन और मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, असम पब्लिक सर्विस कमीशन, सभी की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है जॉब को लेकर। यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। अब बात की जाए एज क्या लिमिटेशन होती है, कैटेगरी वाइज बात की जाए तो कैटेगरी वाइज की बात की जाए तो जनरल के स्टूडेंट के लिए 21 से लेकर 40 उम्र होती है वीडियो बनने के लिए। अब बात की जाए जनरल के लिए क्या एज होती है तो 21 से 45 एज होती है। अगर एससी के स्टूडेंट होंगे तो उनके लिए 21 से 45 एज होती है और एसटी के स्टूडेंट होंगे तो 21 से 45 एज होती है वीडियो बनने के लिए। अब बात की जाए पीडब्ल्यूडी, जो जानते होंगे विकलांग स्टूडेंट के लिए कितनी एज दी जाती है तो 21 से 55 एज दी जाती है, जो इंग्लिश में बोली जाए 55 एज तक फॉर्म फिलअप करने की दी जाती है चांस। अगर इससे अबव हो जाते हैं तो आप सभी पीपीएससी लायक नहीं है, फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते हैं। यहां तक आप सभी समझ गए होंगे। अगर आप सभी को क्वेश्चन ये भी होगा वीडियो का फॉर्म फिलअप करने के लिए कितनी परसेंट ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, अगर आप सभी ग्रेजुएशन में पास हो गए हैं तो आप सभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पास होने की बात की जाए तो 33% होनी चाहिए तभी आप सभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप सभी शायद समझ गए होंगे। अब बात करते हैं क्या अपीयरिंग में स्टूडेंट होते हैं वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नहीं, अगर आप सभी ग्रेजुएशन का रिजल्ट आने वाली है तभी आप सभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप सभी को सारी डाउट क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं आप सभी से फॉर्म भरने के लिए कितनी परसेंटेज है वो भी बात कर ली गई है, आप सभी समझ गए होंगे। अब बात की जाए एग्ज़ाम में कितनी स्टेज होती है आप सभी को फेस करनी होगी, तो एग्ज़ाम आप सभी को बीपीएससी का 3 एग्ज़ाम होती है, पहली प्रीलियम मेंस इंटरव्यू, इन सभी एग्ज़ाम पास कर जाते हैं उसके बाद आप सभी को ज्वाइनिंग लेटर दी जाती है, उसके बाद आप सभी को जॉब हो जाएगी। यहां तक आप सभी समझ होंगे। अब बात करते हैं प्रीलिम एग्ज़ाम जो आप सभी को देनी होती है उस एग्ज़ाम की बात की जाए सिलेबस को, तो इसमें 2 पेपर होती है। टाइमिंग की बात की जाए तो पर पेपर आप सभी को 2-2 घंटा दी जाती है। पेपर 1 में आप सभी को करेंट अफेयर्स और हिस्ट्री इंडियन ज्योग्राफी इकोनॉमी सिविक्स से क्वेश्चन अधिकांश होती है। पेपर 1 के बेस पर आप सभी को मेरिट बनती है मेंस के एग्ज़ाम के लिए। पेपर 2 में आप सभी को क्वेश्चन पूछी जाती है जो मैथ रीजनिंग हिंदी इंग्लिश से, ये सब्जेक्ट आप सभी को पास होना जरूरत है। अगर पास होंगे तभी आप सभी मेंस का एग्ज़ाम देंगे, मतलब पास होने के लिए 33 मार्क्स आने चाहिए सेकेंड पेपर में। यहां तक आप सभी समझ गए होंगे। अब बात करते हैं आप सभी को मेंस के एग्ज़ाम देते होंगे तो मेंस के एग्ज़ाम की टाइमिंग क्या होती है, तो मेंस के एग्ज़ाम के लिए 3-3 घंटा दी जाती है पर पेपर। मेंस पेपर कितनी होती है तो 8 होती है, कौन कौन होती है इस वीडियो में बात करेंगे। पहले पेपर की बात की जाए तो जनरल हिंदी होती है, उसके बाद 50 मार्क्स का एसे होती है, उसके बाद जनरल स्टडी 1, जनरल स्टडी 2, जनरल स्टडी 3, जनरल स्टडी 4, उसके बाद आप सभी को ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होती है जो 2 होती है। यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। अगर इस सब पास कर जाते हैं तभी आप सभी इंटरव्यू का एग्ज़ाम देंगे। इंटरव्यू कितनी मार्क्स होती है तो इंटरव्यू आप सभी को 200 मार्क्स की होती है। इंटरव्यू में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं आप सभी के मन में क्वेश्चन बन रही होगी। क्वेश्चन की बात की जाए तो इंटरव्यू आप जिस तरह से इंटरव्यू देंगे उस तरह से क्वेश्चन आप सभी से पूछी जाती है। आप सभी अगर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड अधिकांश क्वेश्चन पूछी जाती है, अगर आप सभी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछी जाती है तो डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आप सभी को पूछी जाएगी इंटरव्यू में। सब्जेक्ट्स से ही आप सभी को इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछी जाएगी। अगर आप सभी जिस तरह मुड़ जाते हैं उस तरह से आप सभी को क्वेश्चन इंटरव्यू पीरियड में ली जाएगी। यहाँ तक आप सभी समझ होंगे, आप सभी को सवाल का जवाब कर ली गई। आप सभी को मन में ये भी होगा सैलरी क्या होती है वीडियो बनने के बाद, ये बात सब कोई पूछता है वीडियो बन जाने के बाद सैलरी क्या होती है आप सभी जानते होंगे। तो एवरेज बात की जाए तो 35 प्लस सैलरी होती है, प्लस एक्स्ट्रा भी मिलती है और गवर्नमेंट की तरफ से सारी सुविधा फ्री में दी जाती है। यहाँ तक आप सभी समझ होंगे, जैसे कि गाड़ी मिलती है उसकी डीजल की खर्च मिलती है, जो भी सुविधा होती है गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में आप सभी को दी जाती है। जो अपनी डेवलप करना क्षेत्र को वो गवर्नमेंट देती है वीडियो को कि अपने क्षेत्र को डेवलप करना, कोई प्रॉब्लम ना होना अपने क्षेत्र में, ये वीडियो की जिम्मेदारी होती है। सारी यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं बहुत सारी सुविधा दी जाती है आप सभी समझ गए होंगे। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप सभी
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दें, और मेरे चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर जरूर जाएं, ताकि मुझे भी इस वीडियो को फ़ायदा मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।